शॉर्ट फोर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चारों लोग बैठे हुए होते हैं। यीशु की और चिटेशो को पता चल चुका होता है कि अमाने की पड़ोसी सीना है। अमाने ने जो टॉय लिया था एंड उसको खाना देने वाली सीना ही है। चिटो से माहिरू को फ्रेंड बनाती है और माहिरू भी बन जाती है। अमाने कहता है कि ये बात वो दोनों किसी को ना बताए और वो दोनों मान भी जाते हैं। नेक्स्ट सीन में माहिरू कह रही होती है कि चिटो से बहुत अजीब है, तो अमाने कहता है अगर वो ऐसी वैसी हरकत करे तो तुम उसे थप्पड़ मार देना। एंड वो कह रही है मैं वायलेंस नहीं करूँगी लेकिन मैं उसे कन्विंस करूँगी। कुछ देर बाद माहिरू चली जाती है और अमाने मन में सोचता है काश मैं ये चीज़ थोड़ी देर और सीक्रेट रख पाता। फिर बोलता है ओह नहीं मैं ये क्या सोच रहा हूँ। दूसरे दिन अमाने और माहिरू खाना खा रहे होते और उसके बाद अमाने पूछता है तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा। वो कहती है कि जो मेरी देखभाल करती थी उसने मुझे सिखाया है और उनके लेवल के मैं आसपास भी नहीं हूँ। फिर भी अमाने कहता है पर मुझे तुम्हारा खाना ही ज़्यादा पसंद है। माहिरू अमाने को घूरती है और अमाने कहता है क्या हुआ। एंड वो कहती है कुछ नहीं लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं खाने के टेस्ट को अच्छा बना सकती हूँ। थैंक्स अमाने ब्लशिंग कर रहा होता है। और नेक्स्ट डे वो दोनों वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और माहिरू हार जाती है। बार बार कोशिश करती है लेकिन कुछ होता नहीं, इसलिए अमाने उसे सिखाने लगता है लेकिन वो ज़्यादा नज़दीक चला जाता है। फिर वो देखता है और फिर दूर चला जाता है एंड कहता है सॉरी। फिर माहिरू कहती इसमें मेरी भी गलती है। थोड़ी देर बाद वो अच्छे से गेम खेलने लगती है और अमाने मन में कहता है सी इज क्यूट। फिर माहिरू उसे देखती है और उसके ऊपर गिर जाती है। अमाने हंसता है एंड माहिरू कह रही तुम मेरा मजाक बन रहा रहे हो। अमाने बोलता है नहीं ये मुझे क्यूट लगा। एंड वो कहती क्यूट मतलब चाइल्डिश, जिसे देख के मज़ा आए, और उसे मारने लगती है। अब माहिरू खेलते खेलते जीत जाती है और अमाने उसे गिफ्ट देता है और कहता है ये तुम्हारा गेम जीतने का प्राइस। वो गिफ्ट ले लेती है और उसमें छोटा सा पर्स होता है। अमाने कहता है कि ये तुम्हारी चाबी रखने के लिए, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इसे फेंक सकती हो। फिर ये दोनों अमाने के बचपन की बातें करने लगते हैं। माहिरू अमाने के सर से थोड़े बाल हटाती है एंड अमाने भी उसके सर से थोड़े बाल हटाता है। वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। माहिरू भी बताती है कि अमाने के लिए वो भी क्रिसमस गिफ्ट लाई एंड वो उसे दे दिए जो एक स्कार्फ होता है। अमाने वो लेके काफ़ी खुश होता है। अमाने माहिरू की तारीफ करता है लेकिन फिर माहिरू उसका मुंह उसके स्कार्फ से बंद कर देती है एंड वो कहता है क्या हुआ। थोड़ी देर बाद माहिरू बालकनी में जाती है और वो भी उसके पीछे जाता है एंड कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। एंड उसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया इन दो महीनों के लिए मेरे साथ रहने के। एंड वो भी थैंक्स कहती है। वो कहती है उसे भी ऐसे रहना काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमाने देखता है कि माहिरू ठीक नहीं होती, तो वो उसे उठा के उसके कमरे में ले जाता है लेकिन वो कहती है कि तुम उसके मेरे कमरे में नहीं आ सकती। अमाने उसे दो ऑप्शन देता है लेकिन वो कहती है अगर मैं दोनों में से एक भी ऑप्शन ना पसंद करूँ तो। कहता है कि मैं तुम्हारे रूम में घुस के तुम्हें तुम्हारे बेड पर पटक दूंगा। एंड माहिरू कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारे कमरे में रेस्ट करती हूँ। अब अमाने माहिरू को मेडिसिन देता है एंड रेस्ट करने को कहता है। अमाने उस हालत की जिम्मेदार खुद को ठहराता है क्योंकि वो ज़्यादा काम करती है और वो कुछ करता नहीं है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कभी बुद्ध नहीं समझा। अब माहिरू सो नहीं रही थी तो अमाने उसका हाथ पकड़ के तब तक बैठा रहता है जब तक वो सो नहीं जाती एंड वो जब सो जाती है तब उसको देखते रहता है। नेक्स्ट डे अमाने माहिरू से पूछता है अब कैसा है। वो कहती है थोड़ी कमज़ोरी है अभी। एंड वो उसे खाना देता है एंड वो कहती है मुझे अभी नहीं खाना। तो वो कहता है ठीक है हम थोड़ी देर बात करते हैं एंड वो बात करते हैं थोड़ी देर तक एंड वो सो जाती है। अमाने माहिरू का चेहरा देख रहा होता है एंड वो कहता है मैं बहुत स्टूपिड हूँ, तुम मेरे दिल के लिए ठीक नहीं हो। एंड ये एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है।